अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है हिंदुस्तान का एक नायाब हीरा, दी कोहिनूर ऑफ इंडिया। ये बाहर से जितनी सख्त हैं, अंदर से उससे भी ज्यादा हार्ड हैं। और अर्नब की नादानी देखिए, वो इनको नारियल समझ बैठा। एवरीबडी इन इंडिया इज स्केयर्ड ऑफ हाउ गुड शी इज। बंगाल की दीदी जो काली मां से नहीं डरती, वो भी इस गोरी मां से थर थर कांपती है। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, वो भी सोनिया माता की जय खुल के बोलते हैं, चाहे फिर वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो। जो लोग जनगण मन में बैठे रहते हैं, वो भी वोटिंग बूथ पे इनके लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। इतनी सिंपल, इतनी हम्बल, आई मीन इनफैक्ट गांधी जी के चरखे पे जो खादी निकलती थी, ये उसी की बुनी हुई साड़ी पहनती हैं। खुद कंप्लीटली स्वदेशी हो गई और गांधी जी को स्विट्जरलैंड में केमन आइलैंड्स में विदेश छोड़ाई। रिपब्लिक के एडिटर पे 200 FIR हो चुकी हैं। दैट्स 5 FIRs पर MP, क्योंकि एक पंजे में 5 उंगलियां होती हैं। वेलकम, टुडे वी हैव विद अस द प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, श्रीमती सोनिया। थैंक यू एंटोनियो जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बिफोर वी टॉक अबाउट पालघर, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? एब्सोल्युटली, आई एम वेरी वेल। आप FIR तो नहीं कर देंगी ना? नेवर, नेवर। थैंक यू। तो राहुल जी जब पैदा हुए थे तो कांग्रेस में कैसा माहौल था उस समय? तो कांग्रेस पार्टी में काफी डिमोरलाइजेशन थी और वर्कर्स के बीच में असंतोष थी। अच्छा, जब इंदिरा जी ने 71 में बांग्लादेश को लिबरेट किया था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो आपने क्या बोला उनसे जाके? ये अचीवमेंट तो है, लेकिन आर्मी का अचीवमेंट है, सरकार का नहीं है। पर इमरजेंसी तो इंदिरा जी की अपनी अचीवमेंट थी। यस, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द ट्रायम्फ्स। और क्या क्या सीखा आपने इंदिरा जी से? देयर वाज नथिंग दैट शी डिड। तो एंटोनियो जी, ये बताइए, आपको लगता है कि बोफोर्स में राजीव जी को फंसाया गया था? नॉट एट ऑल। पर राजीव जी तो एंड तक कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं। चोर कभी कहता है कि उन्होंने चोरी की, पर आपने उन्हें बोफोर्स करने से रोकने की कोशिश तो जरूर की होगी। जी हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने मुझको समझाया था कि उनका फर्ज था, उनका कोई चॉइस नहीं था, और इसलिए। बड़ा हार्ड को पतिव्रता यू आर। अच्छा, ये बताइए कि अभी लॉकडाउन में 1 महीने में लोगों का राशन खत्म हो गया और आपके परिवार ने पूरी जिंदगी कुछ काम नहीं किया है, तो आपका घर खर्च चलता कैसे है? इसके पीछे करोड़ों रुपए का गड़बड़ है। ओह, डोंट बी सो हम्बल एंटोनिया। सिर्फ करोड़ों रुपए की टेलीकॉम कोयला, ये बिना ऑक्शन कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए आपने किया? हाँ, था किसी कंपनीज को का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हुआ है। वाओ, केवल टेलीकॉम घपला नहीं है, बहुत सारे ऐसे घपले हैं। डिटेल्स रहने दीजिए, वो बच्चा जानता है। जैसे एक तो वो चीनी घपला है। चीनी भी? वो तो पवार साहब का डिपार्टमेंट नहीं था? बिल्कुल मिलके किया ये वाला। ये हमेशा कांग्रेस का परंपरा रहा। खाऊंगी भी और खाने भी दूंगी। पर लोग कहते हैं कि ए राजा ने मनमोहन ने आपको मिसलीड किया, आपने एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। ये तो सच नहीं है। मैं बहुत सारे लोग को कंसल्ट करती रहती हूँ, सबकी बातें सुनती रहती हूँ और डिसीजन मैं लेती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं। My heart doesn't believe it. मुझे लगता है कि आपने फूटी कौड़ी भी नहीं ली। नहीं, ये तो गलत फहमी है। If you insist, मैम बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही है, सारे सवालों को जवाब ऑनेस्टली दे रही है। सवाल, I'll have to change the track of the interview. So, आपको पैसे खाने का, ऊपर के पैसे खाने का शौक हमेशा से था? शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं बिल्कुल खा नहीं सकती थी, लेकिन अभी मैं बगैर
इंडियन खाना नहीं रह सकती। स्पीकिंग ऑफ खाना, नेशनल हेराल्ड केस में आप बेल पे हैं, आपको लगता है आपको जेल होगी? नेवर नेवर। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सो गांधी इज़ अबव द लॉ, पर अर्नब को जेल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहती हैं कि उसे जेल हो? जरूर जी हाँ। आपकी कॉन्शियंस हर्ट नहीं होती माइनो जी? इट डजंट ट्रबल मी। डू यू हैव अ कॉन्शियंस? नॉट एट ऑल। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक टू चेक हम पे कितनी FIR हो चुकी है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ हैं मदर ऑफ द नेशन एंटोनिया माइनो। तो माइनो जी ये बताइए कि शादी के बाद जब राजीव जी ने आपका नाम एंटोनिया माइनो से बदल के सोनिया गांधी किया था तो आपने अपोज yes, किया था? I was completely against it. और आज जब आपको टीवी पर आपके ओरिजिनल क्रिश्चियन नाम से बुलाया जा रहा है तब आप 200 FIR कर रही हैं। मोदी को कोई हिटलर बुला दे तो इशू नहीं होता था? There is no comparison. क्यों? Just because मोदी का सरनेम गांधी नहीं है इसलिए? So much more is expected of us because we have a certain surname, because we belong to a certain family. Speaking of surname माइनो जी, आपके पापा स्टेफानो माइनो वो हिटलर की आर्मी के अलोंगसाइड लड़े थे, मसलिनी के बिल्कुल जबरा फैन थे, आपने भी कुछ क्वालिटीज इम्बाइब करी उनसे? Subconsciously, I guess one imbibes, like in any other family. और राहुल और प्रियंका अपने नाना जी से कैसे influence हुए? I've been influenced in my own way, in a particular way. Priyanka in another way, Rahul in another way. Wow, तो मतलब पूरा परिवार ही संक्रमित है। After all, खून का रिश्ता जो है। अच्छा माइनो जी ये बताइए, आप पिछले 25 साल से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, तो और उसी समय से लगभग सफेद दाढ़ी वाले के पीछे आपके गिल्ड के मेंबर्स बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े, उस आदमी से भी इतनी नफरत क्यों? एक सच्चे सीधे सच्चे दिल का के आदमी थे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। मैं समझती थी कि ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति में जगह नहीं था। आपको क्यों लगता है सफेद दाढ़ी वाला क्यों आया है? लोगों की सेवा करने के लिए। आप सेवा करेंगी लोगों की? Never, never, never. वैसे आपको भी सेवा करने का मौका मिला था जब आर्मी ने आपको 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की ऑप्शन दी थी और आपने मना yes, कर दिया। I was completely against it. And that was so secular of you. Like जब आप बाटला हाउस के टेररिस्ट के लिए रोए थे। बिल्कुल बिल्कुल। Any regrets? Not at all. It doesn't trouble you? It doesn't trouble me. Graham Staines एक मिशनरी थे, 98 में उनकी हत्या कर दी गई थी। 10 दिन के अंदर उड़ीसा के CM पटनायक साहब उनको हटा दिया गया। अभी पालघर में साधुओं की लिंचिंग होती है। I mean, एक्शन तो छोड़िए, आप स्टेटमेंट तक नहीं देती हैं। ऐसे चीजें जिंदगी में होते रहते हैं, ये तो जिंदगी की सच्चाई है। बाटला हाउस के टेररिस्ट के लिए आप रोई और यहाँ साधु पे चुप है। There is no comparison. माइनो जी आप एक बहुत ही क्यूट लॉ लेके आई थी, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें था कि अगर कुछ वायलेंस होती है, सांप्रदायिक हिंसा, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों को विक्टिम माना जाए। क्या आप मानती हैं कि मेजॉरिटी के लोग कभी विक्टिम नहीं हो सकते? Completely. Absolutely. पर माइनो जी आपको नहीं लगता कि हिंदूज आर ह्यूमंस टू? चंदन गुप्ता को मारा था कासगंज में, अंकित सक्सेना शहजादी से प्यार करता था उसको मार डाला, रामलिंगा जो कन्वर्जन माफिया अपोज कर रहा था उसको मार डाला, साधु कैटल स्मगलर्स ने यूपी में साधु मार डाले, अभी पालघर में मरे हैं, बुलंदशहर में फिर एक किस्सा आ गया। आपको नहीं लगता कि हिंदूज कैन बी विक्टिम्स टू? आई डोंट अग्री विद दैट। तो विक्टिम सिर्फ माइनॉरिटी से हो सकता है? Absolutely. आप नहीं चाहती कि काफिर अगर किसी कम्युनल वायलेंस का शिकार होता है तो उसे किसी भी तरह की सरकारी मदद मिले? I was completely against it. But I thought you were secular. नहीं, ये तो गलतफहमी है। तो अगर आपकी सरकार वापस आती है तो आप वो एंटी हिंदू बिल
दोबारा लाना जो है विदाउट डाउट व्हाटसोएवर। 98 में स्वामी असीमानंद ने डैंग में 40,000 क्रिश्चियंस की घर वापसी कराई थी, आपको पता थी बात? वर्कर्स लोग भी मेरे पास जब आते थे मुझको बताते थे। तो फिर आपने क्या सोचा? हमारी मदद की जरूरत थी। और 2007 में स्वामी असीमानंद को समझौता ब्लास्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया। Absolutely. पर उसने माइनो जी यूएस वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बोल रही थी कि इसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड हैं। बिल्कुल। एनआईए कोर्ट ने भी उन्हें 2019 में बरी कर दिया था। विदाउट डाउट व्हाटसोएवर। तो उनको फिर क्यों अरेस्ट किया गया समझौता ब्लास्ट में? ये हमेशा कांग्रेस का परंपरा रहा। या जैसे 26/11 को भी आपने हिंदू टेरर साबित करने की कोशिश की थी, कसाब हिंदू कलावा पहन के आया था। आई मीन पाकिस्तान ISI एंड इंडियन सेक्युलर्स थिंक अलाइक। कंप्लीटली, एब्सोल्युटली। तो स्वामी जी को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो कन्वर्जेंस के रास्ते में रोड़ा थे। आई विल राइट इट इन माय ओन बुक। कन्वर्जेंस टू क्रिश्चियनिटी इज ओके, बट घर वापसी इज नॉट। There is no comparison. And that doesn't bother you? Not at all. Maino ji, 2008 mein bhi Swami Lakshmanand ko kuch converted tribals ne, jo Christianity mein convert hue the, unhone maar diya tha. Do you think wo isliye kyunki he was opposing conversions? Bilkul. Kya aapko lagta hai ki Palghar could also be related to missionary conversion? Well, let's see. On that note, we come to the end of this very candid conversation with Maino ji. Maino ji ko itna honest, itna vulnerable, itna candid, shayad hi humne kisi aur interview mein dekha hai. Maino ji, thank you so much for your time. Main nikalta hoon to check mere pe kitni FIR ho chuki hain. Meanwhile, aap log study kijiye Joshua Project ke bare mein, missionary convergence ke bare mein. Aur end mein bas yahi kehna chahunga ki Modi is fascist and Sonia Mata ki Jeff.